नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो ये आपका 15वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे कंप्यूटर शब्दावलियों के बारे में। जो कंप्यूटर से संबंधित आपकी शब्दावली है उन्हें देखेंगे। याद रखिए, इस 15 चैप्टर और जो अभी हम लोग आगे मॉक टेस्ट लगाएंगे 25 से 30 के लगभग, इन्हें आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, तो आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका लिखित में क्वेश्चंस आता है या फिर ऑब्जेक्ट रूप में, तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। बात करते हैं हम लोग अबेकस। क्या है अबेकस? यह गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है, जिसके द्वारा अंकों को जोड़ा और घटाया भी जा सकता। अबेकस का आविष्कार आपका चीन में 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आपका आ जाएगा अबेकस क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस परिभाषा को। और अगर वनडे एग्जाम में किस तरह से पूछेगा कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में, कब? 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर आपका एक्सेसरी, ये वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक तो नहीं होता है, परंतु सहायक होता है। इस प्रकार एक्सेसरी को सहायक यंत्र भी कहा जाता है, जब वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, पेन ड्राइव इत्यादि इसके उदाहरण हैं। फिर आपका एक्सेस कंट्रोल, यह सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई विधि है, जिसके द्वारा अनाधिकृत और उपयोगकर्ता को सूचना और निर्देशों तक पहुंचने से रोका जाता है। एक्सेस टाइम, जब यूजर मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश देता है, तब निर्देश देने तथा डेटा प्राप्त होने तक के बीच के समय को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। फिर आपका एक्यूमलेटर, यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें अर्थमेटिक तथा लॉजिकल परिणाम स्टोर किए जाते हैं। फिर आपका एक्टिव सेल, एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला वह सेल या खाना जिसमें यूजर मौजूदा समय में कार्य कर रहा होता है, एक्टिव सेल कहलाता है। फिर है आपका एक्टिव डिवाइस, वह उपकरण जिसमें कोई कार्य विद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है, एक्टिव डिवाइस कहलाता है। एक्टिव विंडो, कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है, एक्टिव विंडो कहलाता है। एडेप्टर, वह युक्ति जो दो या दो से अधिक उपकरणों या संसाधनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, एडेप्टर कहलाती है। ठीक है, एडर, यह एक इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है। फिर आपका एड्रेस, क्या है एड्रेस? कंप्यूटर की मेमोरी में उपस्थित वह पहचान चिन्ह जिसके द्वारा डेटा की स्थिति का पता चलता है, क्या कहलाता है? एड्रेस। एल्गोरिथम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डेटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलाइनमेंट। फिर आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स प्लस नंबर की समुच्चय को क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें ए से जेड तक अक्षरों और 0 से 9 अंकों के समुच्चय होते हैं आपके। एनालॉग, भौतिक राशि का की वह मात्रा जो लगातार तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है, जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, दृष्ट धारा, विद्युतीय तरंगे आदि। फिर है आपका एनालॉग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जिसमें डेटा भौतिकी रूप में व्यक्त किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनिमेशन, अपनी कल्पना द्वारा बनाए गए चित्रों को स्थिर करके सजीवता का प्रदर्शन करना, गतिशीलता का आवास कराना, एनिमेशन कहलाता है। एंटीवायरस,
यह निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को दोषपूर्ण प्रोग्राम से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। फिर आपका ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह ऐसा प्रचलित कोड है जिसके द्वारा अक्षरों तथा संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर आपकी असेंबलर क्या है? असेंबलर कंप्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? असेंबलर। फिर आपकी असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा जिसमें अक्षरों तथा अंकों को छोटे छोटे कोड में लिखा जाता है। फिर आपका सिंक्रोनस डेटा सेडिंग डेटा भेजने की वह पद्धति जिसमें डेटा को अनियमित अंतराल में अपनी सुविधा अनुसार भेजा जा सकता है। फिर आपका ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की वैधता की पहचान की जाती है। ऑटोकैड इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो रेखाचित्र तथा ग्राफ स्वतः तैयार करता है। ऑक्सिलरी मेमोरी इस मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है, यह प्राथमिक मेमोरी से बड़ी क्षमता वाली तथा उसकी सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। फिर आपका बेसिक बेसिक यह एक उच्च स्तरीय भाषा है, यह अत्यंत सरल और उपयोगी है। बेसिक प्रयास सभी कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध होती है। फिर आपका बाइनरी गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली बाइनरी केवल 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। बाइनरी में आपका 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। बिट बिट बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि कई बार अनगिनत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। फिर आता है आपका बाइट 8 बिटों को सम्मिलित रूप से बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिए। फिर आया आपका बायोचिप यह वैज्ञानिकों द्वारा विस्तृत जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह सिलिकॉन की बनी होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर का विकास हो पाया है। आपका है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग निम्न प्राथमिकता वाले प्रोग्राम्स को उच्च प्राथमिकता वाले प्रोग्राम में बदलने की क्रिया अथवा प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। फिर आपका बैकअप इसका प्रयोग मुख्य संसाधन कंप्यूटर के खराब हो जाने पर किया जाता है। सामान्यतः बैकअप कोई भी प्रोग्राम डेटा या हार्डवेयर हो सकता है जिसके द्वारा मुख्य संसाधन को खराब होने से बचाया जाता है। फिर आपका बैड सेक्टर स्टोरेज डिवाइस में वह स्थान जहां पर डेटा लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता है बैड सेक्टर अथवा खराब स्थान कहलाता है। फिर आपका ब्रेंड विड्स डेटा संचारण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और निम्नतम सीमा का अंतर आपका ब्रेंड विड्स कहलाता है। इस बिट्स प्रति सेकंड से मापते हैं, इसे बिट्स प्रति सेकंड से मापते हैं। फिर आपका बारकोड मुख्य रूप से बारकोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती हैं जो कि अल्फान्यूमेरिक डेटा को व्यक्त करती हैं। बारकोड किसी भी उत्पाद के कोड को प्रदर्शित करती है। फिर आता है आपका बेस उन चिन्हों को बेस कहा जाता है जो संख्या पद्धति में अंकों को व्यक्त करते हैं।
फिर है आपका बैच फाइल। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की वह फाइल जो स्वयं संपादित होती है बैच फाइल कहलाती है। फिर है आपका ब्रेच, बैच प्रोसेसिंग। जब अनेक प्रोग्रामों का समूह बन जाता है तब बैच प्रोसेसिंग के उपयोग से एक के बाद एक प्रोग्राम अपने आप ही संपादित होते रहते हैं। फिर है आपका ब्रेंड, यह वह इकाई है जो डेटा संचारण की गति को मापता है। बैंड 1 बिट प्रति सेकंड होता है। फिर है आपका ब्लैकिंग, ब्लैंकिंग ठीक है, किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को ब्लैंकिंग ब्लैंकिंग कहते हैं। फिर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस, वह डिवाइस जो दो व्यक्ति के भौतिक गुणों, फिंगरप्रिंट, हस्तरेखाओं, आवाज आदि की पहचान कर विभेद करती है। फिर आपका बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट को संक्षेप में बिट कहा जाता है। इसमें केवल दो अंकों डिजिट होते हैं, 0 और 1, जिसमें 0 का अभिप्राय होता है ऑफ से और 1 का अभिप्राय होता है ऑन से। फिर आपका बर्नौली डिस्क, यह वह चुंबकीय डिस्क होती है जो डेटा भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। बर्नौली डिस्क में रीड और राइट दोनों ही सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। फिर आपका ब्रॉडबैंड, यह वह कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें संचरण की गति 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड या इससे भी अधिक होती है। ब्राउजिंग, जब इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्राउजिंग ठीक है। फिर आता है आपका ब्राउजर, यह वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट पर हम अपनी मनपसंद साइट को खोजकर सूचना प्राप्त करते हैं ठीक है, ब्राउजर कहलाता है। फिर आपका ब्रिज बियर, यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। बबल मेमोरी, वह मेमोरी जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, बबल मेमोरी कहलाती है। बफर, यह एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। बर्निंग, यह वह प्रक्रिया है जिसका प्रयोग रोम में डेटा लिखने के लिए किया जाता है। बस डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। फिर आपका ब्लूटूथ, इस तकनीक में छोटी क्षमता वाली रेडियो तरंगों का प्रयोग करके डेटा और सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए, आप लोग ब्लूटूथ अधिकतर लोग यूज करते होंगे, देखा होगा आपके फ़ोन में आता है, फिर भी आप इसका मतलब नहीं समझ पाते। अरे भाई, ये आपके लिए एक पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए नहीं है कि ये सब तैयारी कर रहा है उसी के लिए जरूरी है। आपकी दिनचर्या में क्या चल रहा है उसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपका बूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य बूटिंग कहलाता है। बग, यह एक प्रकार की एरर होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्राम में पाई जाती है। बग को हटाने की क्रिया डीबगिंग कहलाती है ठीक है। फिर है आपका चिप, यह सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अन्य अर्धचालकों से बना छोटा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी कार्य को विधिवत तरीके से पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के निर्देशों का समूह होता है। साइबर स्पेस, इसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है। CRW, इसे विस्तृत रूप से कंपैक्ट डिस्क रीड राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को बार बार लिखा तथा पढ़ा जा सकता है। फिर आपका CDR, इसे विस्तृत रूप से कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। इस स्टोरेज डिवाइस में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन स्टोर डेटा में
कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर आपका सीडी रोम, जॉक बॉक्स, इसका विस्तृत रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या जुक बॉक्स है। स्टोरेज डिवाइस में अनेक प्रकार की सीडियाँ, ड्राइव्स, डिस्कस आदि सम्मिलित होते हैं आपके। फिर आगे आपका सेल, रो और कॉलम में से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है। सीपीयू, इसका विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है, यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कैरेक्टर पेंटर, इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर जैसे अंक, अक्षर अथवा कोई भी चिन्ह प्रिंट करता है। चैटिंग, इंटरनेट के द्वारा दूर स्थित अपने मित्र या सगे संबंधियों से वार्तालाप करना चैटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? चैटिंग। फिर आपका चेक बॉक्स क्या है? चेक बॉक्स वह प्रोग्राम जिसके द्वारा किसी कार्य को सक्रिय या फिर निष्क्रिय किया जाता है। ये प्रोग्राम विंडोज के GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लिक, माउस के बटन को दबाना क्लिक कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइल कहलाता है आपका। फिर आपका कंपाइलर, इसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर भाषा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। कमांड, कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड देना कहते हैं। कोल्ड फॉल्ट, कंप्यूटर पर काम करते समय अचानक दोष उत्पन्न होता है हो जाना, परंतु कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने पर दोष का दूर हो जाना कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। कोल्ड बूट, कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है। कोडिंग, प्रोग्रामिंग भाषा में अनुदेशों को लिखने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। को एक्सिल केबल, एक विशेष तार जिसे डेटा संचरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। को एक्सिल केबल में एक केंद्रीय तार, उसके चारों ओर तारों की जाली होती है। ठीक। फिर आपका क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड या कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित वह स्थान होता है जो कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक डेटा भंडारण और डेटा स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग डिजाइन बनाने अथवा डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रबंधन, नियंत्रण आदि के कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर जार्गन, इसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र अथवा तथा भाषा में प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर बनाए जाने वाले यंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, उपकरणों का वह समूह जैसे मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। कंसोल, यह एक प्रकार का टर्मिनल है जो मुख्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा कंप्यूटर में होने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखता है। फिर आपका कंट्रोल पैनल, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके ऊपर बहुत से बटन लगे होते हैं, इसके द्वारा कार्य का दिशा निर्देश होता है। सिलेंडर, यह दो या दो से अधिक ट्रैकों का समूह होता है। कट, मॉनिटर पर उपस्थित डेटा को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त किया करने वाला एक कमांड कट कहलाता है। कर्सर कंट्रोल, यह कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की है। माउस खराब हो जाने पर इसकी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, किसी डेटा तथा निर्देशों को अलग रूप से रूम में संरक्षित कर देने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को
क्रैप्टोग्राफी कहा जाता है। फिर आपका कोरल ड्रा, डिजाइन तैयार करने के लिए प्रोग्राम किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कोरल ड्रा कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः टीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। फिर आपका सीडी रोम, यह भंडारण युक्ति है जो प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें डेटा लीजर बीम की सहायता से स्टोर किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता आपकी 700 MB 80 मिनट होती है, 700 MB होती है। कर्सर, टेक्स्ट लिखते समय कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक करने वाली खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। फिर है आपका डेटा, क्या है डेटा? निर्देश तथा सूचना है जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डेटा कहलाता है। डेटाबेज, डेटाबेस बहुत सी सूचनाओं का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस के द्वारा वांछित सूचनाओं को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। डेटा एंट्री, डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डाटा एंट्री या डेटा एंट्री कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, वह बहुत से प्रोग्राम का समूह होता है जिसके द्वारा डेटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने, उसमें परिवर्तन करने वाले आदि कार्य सरलतापूर्वक किए जाते हैं। फिर आपका डेटा प्रोसेसिंग, डेटा तथा निर्देशों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाकर आउटपुट प्राप्त करना अथवा डेटा को व्यवस्थित करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा रिडंडेंसी, एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव करना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। डेटा ट्रांसफर रेट DTR, यूजर द्वारा किए गए डेटा तथा निर्देशों को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने की दर को डाटा ट्रांसफर, डाटा रेट, डेटा स्थानांतरण दर कहते हैं। फिर आपका डॉटर बोर्ड, साथ जुड़ने वाला सहायक बोर्ड, मैन बोर्ड के साथ जुड़ने वाला सहायक बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। डॉटर बोर्ड एक सर्किट होता है। डिबलिंग, डिबगिंग, दिए गए डेटा तथा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने, उसे उन्हें सुधारने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिबगिंग। डीबगर, डीबगिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाले सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। डिसीजन लॉजिक, किसी डेटा या प्रोग्राम में दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना डिसीजन लॉजिक कहलाता है। फिर आपका डिवीजन, डिसीजन बॉक्स, इसका प्रयोग फ्लो चार्ट बनाने में किया जाता है। इसके अंतर्गत कंडीशन होती हैं दो, कौन सी? हाँ और ना, जिनमें से एक कंडीशन को चुनना होता है। यह फ्लो चार्ट के मध्य में प्रयोग किया जाता है। फिर आपका डिकोडर, यह एडवाइस कंप्यूटर को दिए गए डेटा को पढ़कर उसकी प्रोसेसिंग के लिए स्वतः ही निर्देश देती है। फिर आपका डिक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड कोड, डिक्रिप्शन इनकोडेड कोड को वापस उसके मूल रूप से बदलने की क्रिया को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। डिलीट, किसी सॉफ्टवेयर में उपस्थित डेटा में से अवांछित डेटा को हटाना डिलीट कहलाता है। डी मॉड्यूलेशन, इसके द्वारा मॉड्यूलेट किए गए डेटा माध्यम से अलग किए जाते हैं जिसमें उस डेटा का पुनः प्रयोग किया जा सके। डी मॉड्यूलेशन के द्वारा एनालॉग क्रिया को डिजिटल में परिवर्तित किया जा सकता है। डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली आउटपुट डिस्क डॉप कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आमतौर पर विकासन कार्यों में होता है। फिर आपका डायलॉग बॉक्स, क्या है डायलॉग बॉक्स? इसका प्रयोग कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संवाद करने के लिए किया जाता है। डायलॉग बॉक्स विंडोज
सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाता है। डायल अप लाइन, वह लाइन जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है, डायल अप लाइन कहलाती है। डिजिट, कोई भी अंक चिन्ह जिसका प्रयोग संख्या पद्धति में किया जाता है, डिजिट कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। डिजिटल क्लॉक, मदरबोर्ड पर स्थित डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करने वाली घड़ी है। डिजिटल सिग्नल, इसके द्वारा निर्देशों तथा डेटा को बाइनरी संख्या पद्धति में परिवर्तित किया जाता है। डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, यह एक भंडारण युक्ति है जिसमें सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से इसे विकासीय डिस्क भी कहते हैं। फिर आपका डिजिटाइजर, रेखीय डेटा को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका डिस्क, एक वृत्त के आकार का यंत्र जिसका प्रयोग डेटा तथा निर्देशों को सूचनाओं के रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। फिर आपका डिस्क एरे, हार्ड डिस्क के बहुत से समूह हैं, उनके नियंत्रक तथा ड्राइव को सम्मिलित रूप से डिस्क एरे कहते हैं। सम्मिलित समूह के कारण इसकी संग्रह क्षमता अत्यधिक होती है। डिस्क एरे को रेड भी कहा जाता है। डिस्क ड्राइव, वह डिस्क जिसके द्वारा संग्रहित डेटा पढ़ा व लिखा जा सकता है, डिस्क ड्राइव कहलाता है। फिर आपका डिस्क कैट, फ्लॉपी डिस्क को ही डिस्कैट कहा जाता है। यह एक पतली लोचदार चुंबकीय डिस्क है जिसे डेटा भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह एक कमांड लाइन या टेक्स्ट आधारित इंटरफेस है जिसे यूजर द्वारा कमांड्स दी जाती है। डिस्क पैक, दो या अधिक चुंबकीय डिस्क का समूह जिसे सॉफ्ट पर लगाकर भंडारण युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। डिस्प्ले यूनिट, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें मॉनिटर भी, जिसे क्या कहते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं। यह अपनी स्क्रीन पर डेटा और परिणामों को प्रदर्शित करती है। फिर आपका डोमेन नेम, यह विशिष्ट नाम से जो सामान्य नियमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम बताता है। फिर आपका डॉट इंच, इसमें DPI का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। एपीटी, एक इंच में उपस्थित बिंदियों की संख्या है जो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में होती है। डॉट पिच, मॉनिटर की स्क्रीन पर 1 मिलीमीटर के क्षेत्र में उपस्थित बिंदियों की संख्या को डॉट पिच कहते हैं। डाउनलोडिंग, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रयोग से डेटा तथा फाइल को दूरस्थ कंप्यूटर से स्थानीय कंप्यूटर में लाने की क्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। ड्रैग, माउस द्वारा डेटा के किसी भाग को सेलेक्ट करने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ड्रैग। डम्ब टर्मिनल, वह टर्मिनल जिसकी स्वतः प्रोसेसिंग नहीं होती है बल्कि सहायक टर्मिनल्स के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, अब है आपका EEPROM। इसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। EEPROM एक भंडारण युक्ति है जिसमें संग्रहित डेटा को विद्युत विभव द्वारा हटाया जाता है तथा उसके स्थान पर वांछित डेटा डाला जा सकता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा कंप्यूटर की सहायता से डेटा तथा निर्देशों को व्यवस्थित करना आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आपका ईमेल है इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के द्वारा किसी दूर स्थित अपने मित्र या फिर सगे संबंधी को सूचना या निर्देश भेजे जाते हैं आपके द्वारा। ईमेल भेजते समय यह आवश्यक नहीं है कि प्राप्तकर्ता उस समय कंप्यूटर पर उपस्थित हो। फिर आपका
इलेक्ट्रॉनिक पेन। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पॉइंट बनाने तथा रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाता है। फिर आपका एम्बेडेड कमांड, यह विशेष करेक्टर्स का एक ऐसा क्रम है जो डॉक्यूमेंट के स्वरूप को तब प्रभावित करता है जब वह प्रिंट होता है। इस कमांड का प्रयोग आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाता है। फिर आपका इनक्रिप्शन, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार सूचना या निर्देशों को गुप्त कोड में बदलने की क्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। फिर आपका इरेजेबल पीरोम, इसका पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तथा संक्षिप्त रूप में इसे ईपीरोम कहते हैं। यह एक भंडारित युक्ति है जिसमें संचित डेटा को मिटाकर नई सूचना को संचित किया जा सकता है। फिर है आपका एरर मैसेज, यूजर द्वारा कंप्यूटर पर कार्य करते समय किसी त्रुटि को बताने वाला संदेश एरर मैसेज कहलाता है। फिर है आपका ईथरनेट, यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका प्रयोग लैन लोकल एरिया नेटवर्क में स्थानीय कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर है आपका E2K, यह एक चिप है जिसका आविष्कार रूसी कंप्यूटर कंपनी द्वारा किया गया था। यह पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित है जिसमें एक समय में एक साथ अनेक सूचनाओं पर कार्य किया जा सकता है। फिर आपका एग्जीक्यूशन टाइम, किसी एक प्रोग्राम या निर्देश को कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित करने में लगा कुल समय एग्जीक्यूशन टाइम है आपका। फिर आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल, वह फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित करना है क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर आपका एक्सपेंशन स्लॉट, मदरबोर्ड के ऊपर का स्थान जिस पर अन्य सहायक उपकरण जुड़कर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट। फिर आपका फैसिमिल ट्रांसमिशन, इसको संक्षेप में फैक्स कहा जाता है। इसके द्वारा किसी चित्र शब्द या फिर ग्राफ को नेटवर्क या टेलीफोन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। फिर आपका फीड, कंप्यूटर में डेटा या सूचनाएं डालना अथवा प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर में कागज को आगे बढ़ाना फीड कहलाता है। आगे आपका फाइल, बहुत से रिकॉर्डों एवं सूचनाओं को एक साथ सम्मिलित रूप से फाइल कहा जाता है। फाइल द्वारा कई प्रकार की सूचनाओं को एक साथ रखा जाता है। फिर आपका फाइल एलोकेशन, एलोकेशन टेबल, इसका प्रयोग एमएस विंडोज अथवा डॉट्स डॉस में फाइल को संगीत करने के लिए किया जा सकता है। फाइल एक्सटेंशन, विभिन्न प्रकार की फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला नाम फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स, यह कांच या प्लास्टिक की बनी एक पतली तार होती है जिसके द्वारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स प्रकाश क्रिया पर आधारित होती है। फिर आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फिर आपका फाइल यूटिलिटीज, फाइल यूटिलिटीज एक प्रकार की सहायक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग फाइलों में होने वाली सामान्य क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका फायरवॉल, यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डेटा तथा सूचनाओं का विश्लेषण करता है। फर्मवेयर, यह एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे रोम पर लिखा जाता है। फ्लिप फ्लॉप, यह बाइनरी प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली
इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है फ्लॉप। कंप्यूटर में गणना क्षमता को मापने में फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका फ्लॉपी डिस्क, इसका प्रयोग असाधारण, इसका प्रयोग सॉरी इसका प्रयोग प्रसारण के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक की बनी होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है। फिर आपका फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट किसी डेटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट पूर्व निर्धारित चिन्हों पर आधारित होता है। फिर आपका प्रॉन्ट, इससे तात्पर्य उस साइज अथवा प्रकार से होता है जिसमें किसी अक्षर अथवा शब्द को विभिन्न प्रकार से लिखने की व्यवस्था होती है। फिर आता है आपका फुटर, किसी पेज के सबसे नीचे की पंक्ति में लिखा डेटा फुटर कहलाता है। फिर आपका फॉर्मेटिंग, किसी भंडारण युक्ति जैसे डिस्क को प्रयोग में लाने से पूर्व सेक्टर तथा ट्रैक में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। फिर आपका फॉरटॉन, फॉरट्रान, एक उच्च स्तरीय भाषा जिसका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक और गणितीय रूप में किया जाता है। फिर है आपका फ्रेगमेंटेशन, इसके द्वारा मेमोरी में ट्रैक को व्यवस्थित किया जाता है। फ्रीवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो अधिकतर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होता है, फ्रीवेयर कहलाता है। फिर आता है आपका गेटवे, इंटरनेट से जुड़ा वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, गेटवे कहलाता है। फिर है आपका GIGO, इसका पूर्व नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो। वह त्रुटि है जो इनपुट किए गए गलत डेटा तथा प्रोग्राम के कारण आउटपुट में आती है। फिर है आपका ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट, इसे हिंदी में चित्र प्रदर्शित इकाई कहा जाता है। इसमें अक्षर लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाए जाते हैं। फिर आपका ग्राफिक टैबलेट, इसके द्वारा आलिखित विवरणों को अंकीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, GUI को विजुअल इंटरफेस कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रकार की फाइलों, कमांड्स एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि के आइकन को के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन आइकन का प्रयोग किसी पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस हो गया के माध्यम से किया जाता है। फिर आपका ग्रे कोड, एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले वे निर्देश होते हैं जिसके द्वारा इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर आपका ग्रे स्केल, यह मोनोक्रोम मॉनिटर में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें रंगों की स्थिति काली सफेद तथा इनसे मिश्रित रंगों में होती है। इसमें प्रयुक्त डेटा भी ब्लैंक, व्हाइट, लाइट, डार्क ग्रे कलर्स का होता है। अगला है आपका क्या शब्द है? हैकर, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हैकर। अरे आपका हॉप डुप्लेक्स, यह संचारण की वह विधि है जिसमें डेटा का संचारण दोनों दिशाओं में किया जाता है, परंतु डेटा का संचारण एक समय में केवल एक ही दिशा में किया जा सकता है। इसमें हैंडशेक, नेटवर्क द्वारा किसी समान प्रोटोकॉल द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हैंडशेक। फिर आपका हैंग, कंप्यूटर पर कार्य करते समय अनावश्यक नियमों का पालन करते हुए कंप्यूटर का अचानक रुक जाना क्या कहलाता है? हैंग। फिर आपका हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी यह कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत स्थायी आउटपुट होता है, जैसे पेपर पर प्राप्त प्रिंट आउट क्या है? हार्ड कॉपी। हार्ड डिस्क,
यह एक गोल पतली भंडारण युक्ति है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है तथा जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। फिर आपका हार्डवेयर, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे आपका माउस हो गया। हेडर, पेज के सबसे ऊपर वाली पंक्ति को क्या कह पंक्ति में लिखा गया डाटा क्या कहलाता है, हेडर। फिर आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, वह संख्या पद्धति जिसमें कुल 16 मूल अंक होते हैं, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक ABCDEF होते हैं, जिस कारण इसका आधार कितना होता है, 16। फिर आपका हाई लेवल लैंग्वेज, यह कंप्यूटर की वह भाषा है जो अंग्रेजी भाषा के सबसे करीब है। आधुनिक कंप्यूटरों में हाई लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आपका होम पेज, वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले जो खुलने वाला पेज हमें दिखाई देता है वह होता है होम पेज। होम पेज वेबसाइट में प्रयुक्त सूचनाओं को कंटेंट्स के रूप में प्रदर्शित करता है। फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रित रूप आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। फिर आपका हाइपरलिंक, किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि इसे HTML भी बोलते हैं, यह मुख्यतः वेबसाइट तथा डिजाइन के लिए प्रयुक्त हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। ठीक, फिर आपका इंकजेट प्रिंटर, यह प्रिंटर इंक की छोटी छोटी बूंदों को कागज पर सम्मिलित रूप से छितराकर आउटपुट आपका प्रदर्शित करता है। फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, यह सिलिकॉन से निर्मित पतली चिप होती है जिस पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, प्रतिरोधक, संधारित्र इत्यादि। इनपुट, परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में डालना क्या कहलाता है, इनपुट। इनपुट डिवाइस, परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए जो आपका यंत्र प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट पोर्ट, इस सर्किट द्वारा इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है। फिर आपका इंटरफेस, इस सर्किट द्वारा इनपुट तथा आउटपुट उपकरण को CPU के साथ जोड़ा जाता है। इंटरनेट, दो या दो से अधिक इंटरनेट नेटवर्कों को आपस में जोड़कर बना एक कंप्यूटर नेटवर्क जिस पर अधिकतर सभी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। फिर आपका इंटरनेट नेटवर्किंग, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना इंटरनेट नेटवर्किंग कहलाता है। फिर आपका इंटरप्रेटर, इसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, यह एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। आइकन, छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं, आइकन। जावा, एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग इंटरनेट संबंधित उपयोग के लिए किया जाता है। फिर आपका जोस्टिक, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्यतः वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है आपकी जो देखने में बिल्कुल टाइपराइटर के समान होती है। कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जिस पर अन्य कार्य आधारित होते हैं जिसमें यूजर स्वयं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है क्या कहलाता है, कर्नल। की स्टॉप, कीबोर्ड में बटन को दबाने की क्रिया को क्या कहते हैं, की स्ट्रोक। किलोबाइट, यह मेमोरी की इकाई है, 1 KB बराबर 2 की पावर 10 बाइट यानी कि 1024 बाइट। ठीक है, फिर आपका लॉजिक गेट,
यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसके द्वारा एक या अधिक इनपुट संकेतों के द्वारा पूर्व निर्धारित आउटपुट प्राप्त होते हैं, एंड और तथा नॉट गेट। लोकेशन क्या है? लोकेशन मेमोरी में डेटा की स्थिति के लिए लोकेशन कमांड का प्रयोग करते हैं। लोड कंप्यूटर की मेमोरी में आवश्यक डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करना लोड कहलाता है। फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क लैन सीमित क्षेत्रों में ही एक या अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर प्राप्त नेटवर्क होता है। फिर आपका लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर में किया जाता है। इसका विकास अनेक प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है। लेजर डिस्क यह एक प्रकाशीय भंडारण युक्ति है जिसमें डेटा लिखने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसे संक्षेप में LSI कहते हैं। इस चिप पर लगभग 30,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। लैपटॉप यह किताब के आकार का एक छोटा कंप्यूटर है जिसे अपने साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसे गोद में रखकर भी प्रयुक्त कर सकते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं। लोगो यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने में किया जाता है। लॉगिन कार्य को शुरू करने के लिए प्रोग्राम में जाने की क्रिया कहलाती है लॉगिन। लॉग ऑफ अपना कार्य पूरा करने के बाद प्रोग्राम से बाहर निकलने की क्रिया लॉग ऑफ कहलाती है। फिर आपका लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जिसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। फिर आपका लैंग्वेज प्रोसेसर इन सॉफ्टवेयरों के द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर इत्यादि। माउस यह इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा में उपस्थित किसी आवश्यक तत्व को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। याद रखिए इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वन डे एग्जाम में इसी तरह पूछेगा कि माउस आउटपुट डिवाइस है या इनपुट, तो आपको याद रखना है इनपुट। आगे आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर इस पर कई यूजर्स एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। मेन मेमोरी यह सीधे CPU के संपर्क में होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज इस भंडारण उपकरण में चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज यह एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग सीधे ही कंप्यूटर में किया जाता है, अर्थात इसे किसी अन्य भाषा में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। मेन्यू किसी सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम में उपस्थित विकल्पों की सूची आपकी मेन्यू कहलाती है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप एक आपका माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर से छोटा पर पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है। फिर आपका मॉड्यूलेशन इस प्रक्रिया द्वारा डेटा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करके संचार माध्यम तक भेजा जाता है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सूचना प्रदर्शित करने वाले दो या दो से अधिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग, जैसे ग्राफ एनिमेशन टेक्स्ट इत्यादि। फिर आपका नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के सहयोग से बना एक संजाल आपका नेटवर्क कहलाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर जिसमें प्रिंट निकालने के लिए स्याही का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वह हार्डवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है।
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है। ऑनलाइन, इंटरनेट पर कार्य करते समय किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ना ऑनलाइन होना कहलाता है। ऑफलाइन, इंटरनेट पर कार्य करते समय किसी अन्य नेटवर्क से ना जुड़े होना ऑफलाइन होना कहलाता है। ऑक्टल नंबर, इस संख्या पद्धति में केवल 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिस कारण इसका आधार अंक क्या होता है, 8। फिर आपका आउटपुट, यूजर द्वारा दिए गया डेटा जो इनपुट कहलाता है तथा निर्देश का कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है, आउटपुट। जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे हमने कुछ सर्च किया तो उसमें जो लिखा वो इनपुट हो गया, जो हमें उपलब्ध हुआ वो आउटपुट हो गया, ठीक है। फिर आपका प्रोसेसर, कंप्यूटर की क्रियाओं व अनुदेशों को प्रोसेस करने वाला भाग प्रोसेसर कहलाता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष क्रिया व उद्देश्य की पूर्ति कराने वाले भाग क्या कहलाता है, प्रोग्राम। फिर आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम, इस इलेक्ट्रॉनिक भंडारण युक्ति द्वारा कंप्यूटर में स्थित भंडारण को केवल पढ़ा जा सकता है। फिर आपका प्रोग्रामर, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने व उसे जांचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रोग्रामर। फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर के प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर आपका प्रोटोकॉल, दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक नियमों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। फिर आपका रैम, इसका विस्तृत रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह कंप्यूटर की प्रथम व विशेष स्मृति है जिसमें संचित डेटा कंप्यूटर बंद करने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। रोम, इसका विस्तृत रूप है रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी स्मृति है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर सब बंद होने पर इसमें संचित डेटा समाप्त नहीं होता। रीबूट, कंप्यूटर को बंद कर दोबारा स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती, रीस्टार्ट। रीड, मेमोरी से डेटा को पढ़कर सीपीयू में भेजना रीड कहलाता है। फिर आपका रन टाइम, किसी प्रोग्राम को एक बार रन करने में लगने वाला समय रन टाइम कहलाता है। राउटर, बहुत सारी नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला यंत्र क्या कहलाता है, राउटर। रिस्पॉन्ड टाइम, यूजर द्वारा दिए गए अनुदेशों पर प्रक्रिया करने व उसका परिणाम घोषित होने में लगने वाला समय आपका रिस्पॉन्ड टाइम कहलाता है। रजिस्टर, अंतिम परिणाम व आवश्यक अनुदेशों को अस्थायी तौर पर संग्रहित करने वाला सीपीयू में लगा उच्च गति का भंडारण उपकरण रजिस्टर कहलाता है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम जिसे मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता है क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। स्कैनर, किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रारूप को आवश्यकता अनुसार स्क्रीन पर स्कैन करने वाला यंत्र क्या होता है, स्कैनर। सेकेंडरी मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी है जिसमें संचित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता। स्लॉट, मदरबोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगाने की रिक्ति क्या कहलाती है, स्लॉट। सेटअप, किसी कंप्यूटर में सेटअप स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए तैयार एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। फिर आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, किसी डेटा को एक ही क्रम में पढ़ने वाली वाला मेमोरी उपकरण है। फिर स्टैटिक रैम, डेटा को विद्युत सप्लाई रहने तक ही स्टोर करने वाला रैम का प्रकार है। सब प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का छोटा हिस्सा जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करे सब प्रोग्राम कहलाता है। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर
वह है कंप्यूटर जिसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे होते हैं तथा यह उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए तैयार किया जा सकता। टेक्स्ट शब्दों, अंकों व प्रतीकों का समूह क्या कहलाता है? टेक्स्ट। ठीक है, फिर आपका टर्मिनल, मॉनिटर पर मॉनिटर व कीबोर्ड मुख्य कंप्यूटर के साथ काम करने वाले समूह को टर्मिनल कहा जाता है। टैब, कीबोर्ड का बटन जो कर्सर को स्वयं ही पूर्ण निर्धारित दिशा में खिसका देता है, टैब कहलाता है। टाइम शेयरिंग, कई उपभोक्ताओं के एक साथ काम करने पर सीपीयू द्वारा प्रोग्रामर के लिए दिया जाने वाला निश्चित समय क्या कहलाता है? टाइम शेयरिंग। अपग्रेड क्या है? अपग्रेड हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को और अधिक संपन्न बनाने वाली प्रक्रिया अपग्रेड कहलाती है। यूनिक्स, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क उपयोग के लिए तैयार की जाती है, यूनिक्स कहलाती है। यूपीएस, यूनिंटरप्टेड पावर सप्लाई को बिना बाधित हुए विद्युत उपलब्ध कराने वाला उपकरण, यूपीएस कहलाता है। अंडू, पूर्ण निर्धारित क्रिया को समाप्त करना। यूजर फ्रेंडली, कम जानकारी रखने वाले यूजर को सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर, यूजर फ्रेंडली कहलाता है। वायरस, वह एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसके क्रियान्वयन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तरह प्रोग्राम में दोष उत्पन्न हो जाता है। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT, इस टर्मिनल में इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए केवल मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, यह बहुत सारे कंप्यूटरों द्वारा बना होता है जिसका विस्तृत क्षेत्र शहर, महाद्वीप अथवा पूरे देश में फैला होता है। वेबसाइट, ऐसी साइट जिस पर किसी विशेष तथ्य का नाम लिखने पर उस तथ्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? वेबसाइट। विंडो, कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग जिसके द्वारा यूजर अपने विभिन्न कार्य संपन्न कराता है, क्या कहलाता है? विंडो। वर्ड प्रोसेसिंग, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें शब्द संसाधनों द्वारा डेटा लिखा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। वेब ब्राउजर, ऐसा सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट पर वेबसाइटों को आसानी से खोजा जाता है, वेब ब्राउजर होता है। जूम, इसके द्वारा किसी चित्र या तथ्य को बड़ा करके देखा जाता है, यही आपका जूम है। तो ये थे आपके कुछ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, उनकी परिभाषा। तो अभी तक हम लोग आपके 15 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब बचते हैं हमारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है? तो अगर आप किसी लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी चैप्टर देख लें, और 1 डे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट को तो लगाना ना भूलें, क्योंकि वही पूरा सार है, जितने भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं उनका वो मेन सार है, ठीक है?